बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एयर पैसेज वे का गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो था वो पढ़ा था एयर पैसेज वे। आज हम डिस्कस करते हैं लंग्स के हवाले से कि हमारे पास जो है वो लंग्स की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है और कहाँ पर पाया जाता है, किस तरह से ये कवर है। इसके साथ साथ का जो है वो थोड़ा सा रोल भी आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। जैसे लास्ट टाइम आपने लोगों ने इसके बारे में सुना भी, पढ़ा भी बुक्स में कि जी लंग्स जो है हमारे, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। डी ऑक्सीजनेटरी ब्लड को जो है ये ऑक्सीजनेटरी ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। ये मेजर फंक्शन था इसके हवाले से। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर के हवाले से, इसकी प्रेजेंस के हवाले से, इसकी नेचर के हवाले से इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना, हमारा जो टॉपिक है इसकी तरफ आते हैं। एयर पैसेज हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेता, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी लंग्स को। लंग्स में कहते जी, आपने एल्वियोली पढ़ा था कि फेरिंग्स से आगे बढ़ता हुआ स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेकिया और उससे मजीद आगे बढ़ता हो जाए वो एयर सैक्स में और फिर आगे जो है एल्वियोली में आ जाता है। कहते तमाम तरह की, तमाम तरफ की, एक तरफ की जितनी भी एल्वियोली वो मिलती है तो एक लंग बन जाता है। और ये लंग्स जो है दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पेयर्स। ये पेयर जो समझेंगे, दो लंग्स जो है वो एक पेयर बना रहे हैं। और ये हमारे पास चेस्ट कैविटी, यानी कि हमारा जो चेस्ट रीजन है वहां पर पाए जाते हैं, थ्रस्टिक कैविटी वहां पर ये पाए जाते हैं। ये देखा जाए तो एक लंग ये है और एक ये है, बोथ ऑफ दीज आर अ पेयर। दोनों जो है ये एक पेयर की सूरत में मौजूद हमारे पास है। तो इसमें बात करते हैं इसको जो कवर अप किया होता है कि इसकी जो लोकेशन हमने डिस्कस कर ली, फिर इसकी प्रेजेंस की बात करते हैं कि कहाँ पर पाया, जो हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ कहते हैं उसको कवर किस तरह से किया जाता है। तो उसको जो है हमारी बॉडी में जो रिब्स हैं, हमारे जो चेस्ट कैविटी है जिसके पास ऊपर जो है रिब्स होती हैं, वो उसको जो है कवर करके रखती हैं। रिब्स कितनी है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको जो हमारे पास आता है, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। ये पेयर की फॉर्म है, अगर हम इसको वन बाय वन गिनते हैं तो 24 बनते हैं विदाउट पेयर। जैसे हमने इसकी बात की कि पेयर में है, एक पेयर है और वैसे दो लंग्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं रिब्स के हवाले से तो ये हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। लेकिन अगर हम वैसे इसको डिस्कस करें विदाउट रिब पेयर फॉर्म तो हम ये कहते हैं 24 रिब्स हमारे पास मौजूद हैं। और ये जिसके साथ रिब्स मसल के साथ अटैच है, इनको जो है इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है। रिब्स के मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ द लंग्स एज वेल एज हार्ट। हम बात करते हैं डायफॉर्म क्या है। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जामिनेशन पॉइंट के हवाले से है वो डायफॉर्म है। डायफॉर्म है क्या, कहते हैं एक जो मस्कुलर थिक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स, जो लंग्स के नीचे मौजूद होता है उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं डायफ्राम का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ द गैसेस। इसका काम जो है गैसेस की तबादले के हवाले से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं मजीद, इसके जो नेक्स्ट हमारे पास जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के हवाले से। तो इसकी जितनी भी जो डिस्क्रिप्शन है या इसके जो फंक्शन है, हाउ टू डायफ्राम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, तो हम इसको तब वहां पर डिस्कस करते हैं। आज जनरली हम इसको वैसे देखना था, हमारे इसी टॉपिक के अंदर आया था, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर जो है पुटअप किया। तो नेक्स्ट कहते हैं जी, ये हमारे पास जो है एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे डायफ्राम का नाम दिया जाता है और ये आपके लंग्स के नीचे मौजूद होता है। इसका काम जो है वो एक मेजर ये है कि आपके एब्डोमिनल कैविटी और इसके साथ जो थ्रेसिक कैविटी है, यानी कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी से हमारा जो पेट का हिस्सा है ये और थ्रेसिक कैविटी का जो चेस्ट का हिस्सा है, इन दोनों हिस्सों को जो है सेपरेट करने में ये मदद देता था। अगर हम बात करते हैं लंग्स के हवाले से तो उसके में अभी हम जैसे पीछे डायग्राम देखी तो उसमें कहते हैं जी लेफ्ट लंग्स जो है दैट इज स्लाइटली स्मॉलर एंड कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, अदर देन द राइट लोब इज द बिगर एंड लार्जर इन साइज एंड कंटेन थ्री लोब्स। इसका जो है वो साइज की बात की थोड़ा सा बड़ा है राइट लंग्स, जबकि लेफ्ट लंग्स की बात की स्लाइटली स्मॉलर। इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लोब्स। इसकी मेजर रीजन ये है कि हमारे पास जो है दिल जो है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है और जो लेफ्ट लंग है उसकी जो है थोड़ा सा ज्यादा है। इस वजह से इनके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट लंग्स की मैं बात करूं कि लेफ्ट लंग जो है उसके छोटा और टू लोब्स होने की वजह है कि यहाँ पर जो दिल मौजूद होता है इस वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो है वो लंग्स के पास की नेचर किस तरह की है।
तो नेचर में कहता है दैट इज द इलास्टिक इन नेचर एज वेल एज स्पॉन्जी इन नेचर बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ एनुलर आर प्रेजेंट. इसकी जो प्रेजेंस है एनुलर की प्रेजेंस है इस वजह से इसकी नेचर जो इलास्टिक और स्पॉन्जी मौजूद है. लंग्स लेवल से बात करें इसको जब जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें हम मेजरली बात करते हैं वो आर्टरीज की बात करते हैं जिसे आपने लास्ट टाइम डिस्कस पढ़ा भी कि जी जो पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन है इसके साथ कैपिलरीज की आपने बात की कि एल्वियोलाई को जो है वो कैपिलरीज ने कवर अप किया होता है और कैपिलरीज का आपने नाइन्थ चैप्टर नाइन्थ क्लास का नाइन्थ चैप्टर ब्लड वेसल का टॉपिक है उसमें आपने इसको पढ़ा है और उसमें मजीद बड़ा ही आपने डिटेल से पढ़ा था इस हवाले से कि इसमें आपने कैपिलरीज के हवाले से कि इसका काम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल या एक्सचेंजिंग ऑफ द मटीरियल के हवाले से था. लेकिन इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें भी आपने पढ़ा कि पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है कि इसका काम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लेकर चले जाना है लंग्स के पास जबकि वेन्स का काम जो है वो पल्मोनरी वेन का काम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो दिल की तरफ लेकर आना ताकि इसको पूरी बॉडी में जो है वो रोटेट करवाया जा सके पंप किया जा सके. आगे हम बात करते हैं इसकी नेचर तो हमने डिस्कस कर लिया. अब इसकी जो हम मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं कि लंग्स जो है वो दो मेम्ब्रेन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है. इनको हम लोग जो है प्लूरल मेम्ब्रेन्स का नाम देते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स एज वेल एज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स. इसमें कहते हैं इसके अंदर जो है दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो है खास किस्म का फ्लूइड होता है जो उसकी जो लुब्रिकेशन की बात कर ले या जो उसकी जो साथ फ्रिक्शन है उससे बचाने के लिए फ्री एक्सपेंड या आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं जब हम सांस लेते हैं उस वक्त जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंडेशन से बचाने के लिए जो है यहाँ पर लिक्विड मौजूद होता है. यही लिक्विड एज वेल एज आपने ऐसा ही ये वाला नहीं लेकिन ऐसा ही आपने था वो नाइन चैप्टर का जो हार्ट वाला टॉपिक था आपने वहां पर इसको देखा था जो पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता था. नेक्स्ट हम बात करते हैं ये हमारे पास भी कुछ एक्स्ट्रा है इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है वाली पेरिटियल प्लूरल के वैसे बात करें दैट इज लाइंस दैट लाइंस द वॉल्स ऑफ थ्रेसिक कैविटी. ये हमारे पास जो थ्रेसिक कैविटी की वॉल्स के साथ साथ मौजूद होती है. इसके अलावा विस्ट्रल पल्मोनरी प्लूरल की बात करें या विस्ट्रल प्लूरल की बात कर लें तो इसका काम होता है कि आपके लंग्स की सरफेस को जो वो कवर अप करना. फिर हमारे पास आता है प्लूरल कैविटी की बात की जाती है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लूइड विद प्लूरल फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन. कि आपकी जो डिफरेंस है यानी कि इसमें जो गैप है आपके फ्लूइड और जो आपका है जी इसके जो प्लूरल कैविटी है उसके और प्लूरल फ्लूइड के दरमियान ही मौजूद होता है ये वाला हिस्सा. इसके काम होता है कि आपकी जो लिक्विड है उसकी प्रेजेंस के हवाले से और ताकि जब एक्सपैंड हो तो आपकी वॉल्स के साथ जो है वो बाहरी वाली वॉल्स के साथ जो है वो टच ना हो. ये हमारा जो था वो सेकेंड पार्ट जो हमने पढ़ा था एयर पैसेज के हवाले से कि गैसेस की ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह से होती है ह्यूमंस के केस में उसका जो सेकंड पार्ट था आज हमारा जो है वो मुकम्मल हुआ. तो इसमें से किसी किस्म की आपको जो कोई कमी बेशी महसूस हो आप कमेंट के जरिए से हमें जो यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं अदरवाइज आप हमारे सोशल जो अकाउंट्स हैं वहाँ पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मजीद इस तरह की अपडेट हासिल करने के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो से भी आप लोग जो है वो आगाह रहें. आज के इतना काफी. अल्लाह हाफिज़.